तो हेलो गाइस, आपने सही सुना है, जो मैंने बजाया है आज आप वो बजाना सीख जाओगे। तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैं नोटेशन लिखवा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो आप फर्स्ट लाइन लिख लीजिए, महारा कीर्तन में रस बरसाओ, महारा कीर्तन में। तो मामा मा रे रे ममा, महारा कीर्तन में, मामा रे रे ममा। फिर रस बरसाओ, मामा मा पदा निधपा, मामा मा पदा निधपा, रस बरसाओ, मामा मा पदा निधपा, रस बरसाओ, मामा मा पदा निधपा। फिर आओ जी गजानन आओ, अगली लाइन लिख लीजिए, आओ जी गजानंद आओ। फिर उसके नोट से लिख लीजिए, आओ जी सा सा रे रे, आओ जी के लिए लिखिए सा सा रे रे, आओ जी। फिर आगे गजानंद आओ, गजानंद आओ, गजानन आओ। आप इसमें नी बजाओगे तो नी आपको कोमल बजाना है, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन कर लेना तो आपको याद रहेगा कि नी कोमल बजेगा। अब लिखिए गजानंद आओ के लिए, प ध नि ध प ध द प म, गजानन आओ, प ध नि ध प ध द प म, प ध नि ध प ध ध प म, प ध नि ध प ध ध प म। फिर ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम गण गणपतये। तो आप अगली लाइन लिख लीजिए, ओम गण गणपतये नमो नमः। तो ओम गण गणपतये सा ध ध ध ध प, सा ध ध ध ध ध, ओम गण गणपतये सा ध ध ध ध ध, ओम गण गणपतये सा ध ध ध ध ध, ओम गण गणपतये। फिर नमो नमः प ध सा ध, नमो नमः प ध सा ध, नमो नमः प ध सा ध। फिर श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री के लिए लिखिए ध, श्री के लिए लिखिए ध, श्री सिद्धि विनायक ध ध ध ध ध ध, श्री सिद्धि विनायक, श्री सिद्धि विनायक, श्री सिद्धि विनायक ध ध ध ध ध सा, ध ध ध ध ध सा, श्री सिद्धि विनायक ध ध ध ध ध सा। फिर नमो नमः, नमो नमः ध प प प, नमो नमः ध प प प। फिर अष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, म प प प प, म प प प, अष्ट विनायक। लिखिए अष्ट विनायक के लिए म प, अष्ट विनायक म प प प प, म प प प प, अष्ट विनायक म प प प प, अष्ट विनायक नमो नमः,
प प प नमो नमः म प प प फिर गणपति बब्बा मोरिया गणपति बब्बा मोरिया म म म प ध प म म म म म प ध प म म म म म प ध प म म गणपति बब्बा मोरिया गणपति बब्बा मोरिया म म म प ध प म म। ये तो हमारी हो गई स्थाई। अब हम इसका म्यूजिक देखते हैं म्यूजिक कैसे बजेगा। तो आप इसके म्यूजिक करके अगली लाइन लिख लीजिए सा रे रे म सा रे प म प ध प ध प म। तो आप लिखिए सा रे म सा रे प म प ध प ध प म। तो लिखिए सा रे म सा रे प म प ध प ध प म। तो ऐसा बजेगा म्यूजिक। आपको दो बार बजाना है, मैं एक ही बार लिखवाऊंगा। म प ध प ध प म एक बार और फिर उसके बाद आप अंतरा लिखिए। अंतरे की फर्स्ट लाइन लिखिए पार्वती के पुत्र गजानन। तो लिखिए पार्वती के लिए लिखिए पार्वती के सारे सानिध प प ध पार्वती के सारे सानिध प प ध। नहीं, आपको कोमल बजाना है, एक बार याद दिला देता हूँ। सारे सानिध प प ध पार्वती के सारे सानिध प प ध। फिर पुत्र गजानन निध प म प म निध प म प म। पुत्र गजानन निध प निध प के पुत्र गजानन पुत्र गजानन। तो लिखिए पुत्र गजानन निध प पुत्र गजानन नि निध प म प म निध प म प म पुत्र गजानन निध प म प म निध प म प म निध प म प म पुत्र गजानन। फिर वापस से वही लाइन पार्वती के पुत्र गजानन। तो ये वाली लाइन को आपको दो बार बजाना है पार्वती के पुत्र गजानन। फिर भोले शंकर के जो ये वाली लाइन है वो उसका कॉपी करना, जो महारा कीर्तन में रस बरसा। जो महारा कीर्तन में भोले शंकर के मन भाओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ। तो आपको जो ये लाइन है भोले शंकर के मन भाओ, तो आपको वही वाली लाइन लिख लेना है जो महारा कीर्तन में बजाई थी महारा कीर्तन में रस बरसाओ। तो भोले शंकर के मन भाओ। तो दोनों सेम है, दोनों के सेम नोट्स से, है तो आप उसके और इसके नोट्स एक जैसे लिख लीजिए कॉपी में। फिर आओ जी गजानंद आओ, इसके भी नोट्स सेम है जैसे हमने पहले लिखे थे महारा कीर्तन के बाद वाली लाइन में।
जो लिखे थे हमने आओ जी गजानंद आओ, फिर उसके बाद ओम गण गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बब्बा मोरिया। ये जैसे हमारा फर्स्ट अंतता हो गया है, फर्स्ट स्टेंजा। तो उसके बाद वापस से फिर से वही म्यूजिक बजाना है, ना 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 ना। फिर वापस से अंतर आ जाएगा ना 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 ना। तो आपको जितनी बार भी अंतरा है, जैसे मैंने अभी एक अंतरा लिखवाया, तो आपको सेम की सेम वही नोट्स यूज करना है, बस शब्द अलग हो जाएंगे मगर स्वर वही लगेंगे। तो आपको अब आगे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद बजाना सीख गए होंगे अब। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।